अस्सलामुअलैकुम जी, मैं विकास हैदर और इस वक्त मैं मौजूद हाँ अपने इलाके एक डेयरी फार्म है। तो इतने चौधरी सजाद साहब ने इन्होंने बैक साइड से देखो इन्होंने शेड शुड ला रहे हैं। अपने जोड़े इन्होंने जानवर रखे ने इन्हों थोड़ा जहा जदीद तरीके दे नाल इन्हां दी फार्मिंग करते हैं। सैलज वगैरह के नाल यानी इन्हों आम जो वंडा नहीं पाते सैलज पाते ने कोई आस्ट्रेलियन नसल लगती। अच्छा जी, ये मारदा ए केड़ी नसल है? हाँ आस्ट्रेलियन है। लो जी आस्ट्रेलियन नसल है। तो दस देना कि बंदे दे पिछे भी लग जाता तो वेखदा भी भैड़ा पिया। तो ये जी जदीद तरीके दे नाल ये फार्मिंग करते पे ने। तो देखो तरीकाकार जिहड़ा दुध चोन का भी जिहड़ा ना जदीद ही है। एक टाइम दे विच दो गावां नूं चो रहे ने मशीन दे नाल। जावां नूं तुसीं फिर पहले छड्ड दिओ दुध? अच्छा 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 तो ये तंग नहीं कर दियां? ठीक हो गया। इस तरह हूँ मतलब ये सुकून नाल दुध खलो के दिंदियां ने। उंज आम बंदा असीं चोई दे सम कदी हुंदा ना पैर पूर मार दिंदियां ने। अच्छा 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 औखा कर दी सही है सही है। टोटल किनिया गावां एक टाइम चोंदे हो? टोटल किनिया गावां ने जिहड़ियां चोण वालियां ने? इक्की बाई गावां चोंदे हो। तो किन्ना टाइम लगता है पहली तो लैके आखिरी गां चोण तक किन्ने टाइम च सारा नबेड़दे हो? दो ढाई घंटे लगते ने। यही अगर बंदा चोना शुरू करे तो किन्ना टाइम लावे? हाँ मशीन ज्यादा टाइम लेंदी बंदे नालों। वो क्यों पता नहीं मशीन दी की हालत दा पे। अच्छा लेकिन ये बंदे दी जड़ी है हाथ से ना थक जाने ये तो रह जानेंगे जिस दिन दी आई है ना बड़ा सुकून। अच्छा कोई दा पे करना बोल। अच्छा सुकून च ले आता चौधरी साहब ने। चलो वधिया। ते इसे तरह यानी 2 घंटे लगदे ने 20 22 गावां चोन च? ये सारिया गावां ते जिन्ने बच्चे बुच्छे सारा सैलज ही खांदी है। सैलज ते उत्ते चलदा इहनां दा। तो ओ आम पट्ठे जिहड़े ने ओ फिर खांदे ने जां उहनां खांदियां ने? ओ जिहड़ा हरा हुंदा ना ओ जी जरूरत दे मुताबिक पाणियां ज्यादा नहीं पाउंदे। ओ उहनां नूं पाउंदे होवोगे जिहड़ियां मिलदियां नहीं? नहीं नहीं हरा पट्ठा उहनां नूं पाउंदे हो जिहड़ियां मिलदियां ने ते जिहड़ियां नहीं मिलदियां उहनां नूं नहीं पाउंदे? उहनां नूं सैलज सैलज सस्ता पैंदा कि हरा पट्ठा? सैलज महंगा सही। बारह सौ हजार का मन है सही। ठीक हो गया। गावां वैसे ये हाथ ना चोन नाल सौखियां रहिंदियां गावां के अपना मशीन ना सौखियां रहिंदियां? ये किवें महसूस? हाँ इन्हां नूं कोई महसूस नहीं होंदा? हाँ ये अच्छा ये देसी ने ना अपनी प्योर। हाँ वो अगे अगे बंदा आ गया होवे ये नहीं गल तो डर गई। हाँ हाँ चलो जी वधिया। तो थोड़ा टाइम लगता ज्यादा लेकिन तुहानू सुकून आ गया। लो जी अपना की कहते ने फार्मिंग जिहड़ी है वो सौखी है लेकिन तरीके नाल कीती जावे तो बंदा आसानी नाल जिहड़ा अच्छी जिहड़ी है ना पैदावार लै सकदा है। ये सैलज दा इस्तेमाल करदे ने सैलज पांदे ने उहदे करके इन्हां जिहड़ियां गावां दा एक ते इन्हां दी ब्रीड थोड़ी जी डिफरेंट है कोई आस्ट्रेलियन टाइप इन्हां दी ब्रीड है। फिर इन्हां नूं सैलज ते थोड़ी जी केयर जिहड़ी है वह इन्हां नूं जरूरी जिहड़ी मिलदी रहे। तो ये दुध दी जिहड़ी प्रोडक्शन है जिहड़ा दुध है ना वह खूब इन्हां नूं तुसीं लै सकदे हो। तो अजकल क्योंकि जिवें तेल भी महंगा हो गया तेल ही 210 का लीटर हो गया वे तो दुध जिहड़ा वह तकरीबन शहर दे विच ना पैद हो गया। खालस दुध जिहड़ा वह तुहानू अगर कह के खालस देंदे ने लेकिन हुंदा नहीं उह वी पानी शानी का मिलावट होंदी है। तो तकरीबन 160-170 का लाहौर शहर के अंदर मिलन दिया और ये तकरीबन अज तो 4-5 महीने पहले का रेट से हूँ जिहड़ा उन्हें तो गड़वी ना गड़वी फ्री तो 120 की भी गड़वी मिलन दी है लाहौर के। हिसाब ला लो कि वह कैसा दुध होएगा।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਜ ਪੈਂਦਾ, ਸੈਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਲਾਈ ਔਰ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰੋ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਅਕਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਝਟਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੋ ਲਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੰਡਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਤੋ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਥੱਕ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ 160-170 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਸਤਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਚਲੋ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੀਅਤ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੰਮ ਵਹਾਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਡ ਨੱਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।